हेलो ऑल, कैसे हैं आप? से हेलो टू ऑल कॉफ़ी. ये छोटी सी जगह पे यहाँ पे एक ही सिंगल सीटर है, इस पे आके मेरे साथ बैठना चाह रही थी तो इसको उठा के मैंने बिठा दिया अपने साथ. तो होप आप सब ठीक हैं एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन. आज इसको नीचे लेके जाना था बट मैं लेके नहीं गई बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग एंड अभी तो काफ़ी थोड़ा लेट हो गया है. तो थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा नीचे देखती हूँ, लेके जाऊँगी. तो हम दोनों अभी खेल रहे थे तो शी इज़ लिटिल टायर्ड. वॉट हैपन बेबी, वॉट हैपन, वॉट हैपन? ओके, गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन. लास्ट हमने जितने भी वीडियोस में हमारी बात हुई है, इनके खाने को लेके, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस क्या है. पास्ट में जो लास्ट वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया है खाने के बारे में, कुछ चीज़ें डिस्कस की, अभी तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. आज के वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिकली ये बात करूँगी कि मैं कॉफ़ी को जो है क्या दे रही हूँ. खाने पे काफ़ी सारी हमने बात की हुई है. मैंने आपसे शेयर किया था कि राइस में राइस क्यों दें, क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन सा राइस देना चाहिए इनको, वाइट राइस दें या ब्राउन राइस दें. आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा राइस इनके लिए ज़्यादा बेटर है, इजीली डाइजेस्ट हो सकता है. आज अभी ये 5.5 महीने की हो गई है. शी इज़ 5.5 months ओल्ड. शी विल बी 6 months इन फ्यू डेज. 13th of April को ये 6 महीने की होगी. तो जब से इसको मैं लेके आई हूँ तब से लेके अभी तक इसको मैं जो खाना मैं इसको दे रही हूँ इतने महीनों से, पैक्ड फूड वर्सेस होम कुक्ड फूड, दोनों में से बेटर कौन सा है? तो आई एम श्योर आप सबको भी घर का ही खाना अच्छा लगता होगा. मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ पैक्ड फूड के. रीज़न ये है कि कोई भी ब्रांड हो, कहाँ का भी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसमें न्यूट्रिशन से भरा हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत टाइम का, वो एक तो पैक्ड है, प्रिजर्वेटिव्स है उसमें, हमें पता नहीं है कि वो कैसे बनाया हुआ है, चाहे उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो, कुछ भी हो. मैंने जितना स्टडी किया है, जितना मुझे पता है, वो एक सेटिस्फाइंग, वो नहीं लगता है ओवरऑल कि हेल्थ बेनिफिट उसके जो भी हों, एक्स वाई जी जो भी बोलते हैं. बट आप इमेजिन करिए, आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर हमें कोई ऐसे ही पैक्ड फूड दिन भर खिलाए, लाइफ टाइम वही खिलाता रहे, तो क्या हम खा पाएंगे? तो वही सेम आप अपने बच्चे के लिए आप सोचिए. पैक्ड फूड कोशिश करिए मत खिलाइए. प्रिजर्वेटिव्स हैं, किस तरीके से बनाया हुआ है, कंपनीज़ कुछ भी बोले, कितना भी बोले, कितना भी उस चीज़ को हाईलाइट करे, लिस्टिंग करे, जो भी है, आज हमारे जो ह्यूमन जो फूड जो मार्केट में पैकेज में जो अवेलेबल है, आप मुझे बताइए एक ऐसा कोई पैकेट वाला फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. बहुत सारे पैकेट्स में लिखा होता है नो प्रिजर्वेटिव ये वो, बट उसका फ्रेशनेस का क्या गारंटी है? डेट वाइज भले ही लिखा हुआ है कल का है, 2 दिन पहले का है, 1 हफ्ते पहले का है, 1 महीने पहले का है, उसका एक्सपायरी भी जो है वो लिखा हुआ है, जो भी है वो व्हाटएवर. सिर्फ एक चीज़ सोचिए, आज आप मार्केट से जो फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, जो फ्रेश जो हमारे घर में जो खाना जो बनता है, जो उसमें जो वो जूसी जो पना जो रहता है, जूस रहता है उसमें, जो फ्रेशनेस रहता है उसमें, जो वो जो एक स्वीटनेस रहती है,
वो जो एक वाटर कंटेंट जो एक रहता है वो कहाँ रहता है इनके खाने में, यू नो प्रिजर्वेट सी बात प्रिजर्वेटिव्स है नहीं है वो बात नहीं है, होते हैं वी ऑल नो, बट क्या वो जूसी है, क्या वो फ्रेशनेस वो खाके वो एक अच्छा एक फील आता है? मुझे तो नहीं आता है। मैं जब भी वो पैकेट खोलती हूँ मैं देखती हूँ मुझे थोड़ी सी अजीब सी वो यू नो एक वो एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सा एक वो फील आता है। सो जो मैं चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता मैं अपने कॉफ़ी को मैं कैसे दूँ? पैक्ड फूड आजकल बहुत सारे ब्रांड्स के इतने एक्सपेंसिव इतने कॉस्टली हो गए हैं, क्या रीज़न है कि वो इतने कॉस्टली हैं? रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो क्विक एंड इजी जो है वो अपने डॉग्स के लिए जो है वो करना चाहते हैं, उनको फीड करना चाहते हैं, टाइम नहीं है या क्या खिलाएं, बहुत बार वही पता नहीं है कि वेज में भैया खिलाना है तो क्या खिलाएं, क्या कैसे प्रिपेयर करें, फिर तो सिर्फ नॉनवेज का ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ नॉनवेज में सिर्फ चिकन राइस यही बस खिलाते रहें, वेज में क्या खिलाना है बहुत लोगों को पता नहीं है, पता है किस तरीके से खिलाना है वो बहुत लोगों को पता नहीं है, कौन से एज में शुरू करना है वो बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता हो के भी इतना वो यू नो लाइफ इतनी हमारी बिजी है, यू नो घर पे वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस है, या जो हाउस वाइफ हैं जो होम मेकर्स हैं कहीं ना कहीं वो क्विक एंड इजी जो है वो करना पसंद करती कि भाई पैकेट लेके आए 10 10 15 15 किलो का पूरा लेके आते हैं, आराम से वो 2 3 महीना जो है वो महीना जितना भी है वो आराम से बस रिलैक्सली वो चलाते हैं। सी पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे आई एम अगेंस्ट यू नो दीज पैक्ड फूड बिकॉज मुझे वो फ्रेशनेस दैट जूसी जो एक वो फील आता है जो एक अच्छा एक वो पल्पी जो एक वो यू नो एक फील आता है यू नो वो मुझे उनमें लगता नहीं है, सो आई डोंट गिव इट टू माई बेबी। सबकी चॉइस है, मेरा एक पर्सनल एक हम्बल रिक्वेस्ट यही होगा जो ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छा एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं उनको कोशिश करें घर का एक अच्छा ताज़ा खाना दें, फ्रेश बनाया हुआ दें, प्रिजर्वेटिव से दूर रखा हुआ खाना दें। एक और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिस दिन से मैं कॉफ़ी को मैं लेके आई हूँ अब तक एक भी दिन ये बीमार नहीं हुई है, टच वुड, भगवान की कृपा है। और मेरा बच्चा बहुत अच्छा है कि वो सब खाता है, वो खाता इसलिए है क्योंकि उसको day 1 से उसको मैंने थोड़ा आदत डाला हुआ है घर का खाना, और हमारे लिए जैसे घर का खाना फ्रेश खाना जो हमारे बॉडी के लिए हमारे हेल्थ के लिए हमारे मेंटल हेल्थ के लिए जो अच्छा है इम्पोर्टेंट है, सेम इनके लिए भी वही चीज़ें अप्लाई होती है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि हम जिस तरीके से पकाते हैं जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं इनका खाना थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर होता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनको नहीं चलती है बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। आने वाले टाइम में आपसे मैं हर एक वो डिटेल माइनर चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें इनको नहीं देनी है, स्ट्रिक्टली नो है कौन सी चीज़ें इनको देनी है। तो होप आप सहमत हैं मेरी बात से, कमेंट करिए कुछ भी डाउट है, अगर आप सहमत नहीं भी हैं आपके आपका जो व्यू पॉइंट है आपका जो थॉट है आपकी जो सोच है वो मेरे से शेयर करिए, वुड यू नो लव टू नो कि आप अपने पपीज़ को या आप अपने डॉग्स को आपने कैसे बड़ा किया है या आप क्या दे रहे हैं क्या खिला रहे हैं यू नो, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे से शेयर करिए। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी सीख रही हूँ, रोज़ मेरी कुछ ना कुछ स्टडीज़ चलती हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप मेरे से शेयर करेंगे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखूँगी, सो डू शेयर एंड डू कमेंट एंड डू लाइक माई वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।
कॉफ़ी से मिलवाती, पर अभी वो सोई हुई है। वो सोचते सोचते देखते देखते कि मम्मा तो बिजी हैं अपने वीडियो में, तो चलो वो खेल रही थी, खेलते खेलते सो गई। तो टेक केयर एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड जल्दी आपसे कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी या।